Yeah.
जयवती अमृतप्रभा और सुगंध देवी जैसी असाधारण महिला के इस क्षेत्र की बेटियां उन्होंने डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तीसरा भारत में जी ट्वेंटी की लीडरशिप दी है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। कश्मीर मसले में जी ट्वेंटी से जुड़ा यू ट्वेंटी कंसल्टेशन हुआ। इस वाइड रेंज कंसल्टेशन में बायोडायवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज अहम मुद्दों पर चर्चा और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते सुझाए। नौजवानों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ने के उस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी टीम की ने तारीफ कर दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्वभाव कश्मीर की एक विरासत का हिस्सा है। यहाँ की एक कहावत है, ओम पुष्केरी ये गणेश। कुदरत की सौगातों को बचाकर रखने की ऐसी अनुरोध है। कुदरत ने कश्मीर को बेपना खूबसूरती से रखी है। फारसी शायर में ठीक ही कहा गया है कि अगर जमीन पर फिरदौस कहीं है तो यही यही इस सदन को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और नौजवान की पीढ़ी को खासतौर से ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हिमालय की कोशिशों को बचाए रखने में कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम को भी सजग रहना होगा। मुझे बताया गया है कि ग्लासियोलॉजी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तथा हिमालय आइस पर डेवलपमेंट से जुड़े काम लिखा हुआ है। उसमें एक तरफ उपनिषद के यही शब्द और दूसरी तरफ पुराण शरीफ की आयत का एक हिस्सा है। उन दोनों का मतलब एक इस देश की मिट्टी में फले फूले ऐसे
organizate con los moles y tomo a este canal de la misma y se me va a caer en tereca posa y también en guardi de vida aquí me en guardi sobre su teléfono mubarak guardi de vida o me en la luna esco salas de vida me en guardi aquí muy a sobre su teléfono tu teléfono o ese me en la vida dice a que te viva y va a seguir porque es ganado. Thank you.